नमस्कार, रागगिरी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। भारतीय शास्त्रीय संगीत में कई विलक्षण कलाकार ऐसे हुए जिन्होंने जब शुद्ध शास्त्रीय राग बजाया तो वो लोगों के दिलो दिमाग को छू कर गया, और उन्होंने ही जब फ्यूजन किया तो लोगों ने कहा वाह वाह। नई पीढ़ी में ऐसे ही कलाकार हैं पूर्वायन चटर्जी। पूर्वायन आज हमारे साथ रागगिरी से जुड़ रहे हैं। पूर्वायन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दादा, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और लेकिन मैं आपके साथ इंटरव्यू की शुरुआत एक शरारती प्रश्न से करने जा रहा हूँ, और वो शरारती प्रश्न ये है कि मैंने सुना है कि आपको तो बचपन में सितार इसलिए दिया गया क्योंकि आप शैतानियों से दूर रहें, तो इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी तो ये है कि शैतानियों से दूर रखने के लिए दिया गया था, तो मैं और शैतान बन गया। अभी तो तब जितना शैतान था उससे कहीं ज्यादा शैतान मैं अभी हुआ, लेकिन अभी का जो शैतानी है वो सिर्फ संगीत को लेके शैतानी। मुझे वही चाहिए, फन एंड गेम्स जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये रागगिरी का जो प्लेटफॉर्म है उस पर आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ बताऊँ संगीत के बारे में। जहां तक आपका सवाल है, देखिए जो शरारती है ना बच्चे, हम लोग बोलते हैं कि बिना शरारती जो बच्चे होते हैं वो बोरिंग होते हैं, वो आगे जिंदगी में जाके भी और बोरिंग इंसान आर्ट तो कभी कर ही नहीं सकता है। तो टू बी एन आर्टिस्ट यू हैव टू बी अ लिटिल शरारती, लिटिल बदमाश, लिटिल बेंडिंग द रूल्स, नॉट ब्रेकिंग द रूल्स। द मेन थिंग अबाउट मेकिंग गुड म्यूजिक इज नोइंग हाउ टू बेंड द रूल्स। आपको रूल्स फॉलो भी करना है, पर थोड़ा सा रूल्स में क्या आप निकाल सकते हो वो देखना है। तो अच्छा, वो कोशिश जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और दादा, इस बात का कितना फर्क पड़ा आपके हिसाब से, और खासतौर पर आज आप इस चीज को कितना रियलाइज करते हैं कि आपके घर में जो संगीत के संस्कार हम लोग कहते हैं, आपके पिताजी तो निखिल बैनर्जी साहब के शिष्य थे, और निखिल दा का तो मतलब जो कद है भारतीय संगीत में वो बहुत ही बड़ा है, तो एक इतने बड़े कलाकार के शिष्य को पिता के तौर पर आपने देखा बचपन से, वो कितना फर्क पड़ा आपको संगीत की जो आपकी शिक्षा है उसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बचपन से तालीम के लिए मुझे इधर उधर भटकना नहीं पड़ा। बिल्कुल। घर पे पूरा खाना मिला, और मैं अपने पिताजी के लिए मेरा अभी तक एक गुरु का जो इज्जत होता है अपार्ट फ्रॉम पिता का इज्जत, जो अपने अपना यहाँ के संस्कार में बोलते ये है कि पिता परम गुरु, माता पिता, इनफैक्ट पता नहीं क्यों पिता बोलते हैं, सिर्फ माता पिता दोनों होना चाहिए। तो घर से एजुकेशन, शिक्षा, तालीम उधर से चालू होता है। तो जहां तक संगीत का सवाल है, संगीत के जो वैल्यूज है वहीं से चालू हुआ। और मैं बहुत लकी हूँ दैट सिर्फ पिताजी के जरिए, सिर्फ निखिल बैनर्जी नहीं, निखिल बैनर्जी तो हम सभी के लिए, सितार प्लेयर्स के लिए ही इज अ रोल मॉडल, और उन्होंने खुद के बलबूते पे इतने सारे दिग्गज हस्ती होने के बावजूद उन्होंने अपना स्टाइल बनाया, और अपना अपनी जो पहचान है उन्होंने वो उसका जो स्थापना की उन्होंने। पर सिर्फ निखिल बैनर्जी नहीं, बट अली अकबर खान साहब के पास भी पिताजी लेके गए, और अली अकबर खान साहब का तो जो मार्गदर्शन है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि एकदम बाकायदा जो गुरु शिष्य परंपरा है उस वो परंपरा से मुझे तालीम मिला, जहाँ पे इवन मेरे खाने का खर्चा अली अकबर खान साहब भेजते थे हर हफ्ते, जब मैं कैलिफोर्निया में था उनके स्कूल में मुझे जब सीखने का मौका मिला। बाद में अजय चक्रवर्ती जी के पास लेके गए थोड़ा सा ठुमरी दादरा बंदिश वोकल म्यूजिक की तालीम के लिए, अनिंदो चैटर्जी के लेके पास लेके गए, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के पास लेके गए, और जाकिर भाई तो अभी तक ऐसा मतलब हर एक तरीके से, नॉट ओनली म्यूजिकली बट इवन फिलोसॉफिकली ही इज लाइक अ मेंटर, अ गुरु। और बाद में शंकर महादेवन जी के पास मुझे जाने का मौका मिला जब, और उनके साथ काम करने का भी मौका मिला। तो ये सब लोग आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं ना मार्गदर्शन, गुरु का मेन काम ये होता है कि आपको मार्ग दिखा, फिर चलना तो आपको खुद ही है, ऐसा नहीं कि गुरु आपको खुद ही में बिठा के लेके चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, चलना आपको खुद ही है पर मार्ग दिखा सकते हैं। अच्छा दादा, ये एक प्रश्न बहुत स्वाभाविक सा ये भी उठता है कि एक तो पिता का घर में जैसा आपने बताया संगीत के संस्कार, फिर बचपन से इतनी महान हस्तियों से आपका मिलना जुलना, लेकिन पूर्वायन ने कब तय किया कि वो सितार ही बजाएंगे और सितार में ही उनका जीवन है,
और वो क्या घटना थी, कैसे तय हुआ? देखिए, ये जो फैसला है इंसान एक दिन में नहीं लेता है, पर जरूर होता है ये फैसला धीरे धीरे खाना जैसा पकता है दिमाग के अंदर। जी, जी, जी. और एक दिन ऐसा होता है जब इंसान सोचता है कि नहीं, आज से मैं ये काफी, मतलब इसमें मेरा, जिसको इंग्लिश में कन्विक्शन बोलते हैं, मेरा विश्वास है कि मैं ये कर पाऊंगा। एक दिन यकीन या विश्वास, वो एक एक खास दिन होता है जब इंसान को सडनली मिलता है। वो ऊपर वाले की वजह से मिलता होगा, या आशीर्वाद, जो गुरुजन जन का आशीर्वाद होता है उसके वजह से मिलता है। पर मैं आपको बताऊं, एक खास दिन मुझे याद है जब मैं जकार्ता में था। मैं अपना, मेरे पिताजी जकार्ता में उधर गुरु थे अपना, इंडियन कल्चरल सेंटर में, जवाहरलाल नेहरू कल्चरल सेंटर। तो मैंने निखिल बैनर्जी का मारवा सुना, राग मारवा का आलाप जोड़, और उसके बाद राग पूड़िया कल्याण, जिसमें स्वपन चौधरी तबले में थे। वो रिकॉर्डिंग अभी पब्लिश भी हुआ है बाद में। एनीवे, खैर, जब जब मैंने ये सुना, पता नहीं मुझे क्यों लगा कि मुझे यही काम करना है और इसी तरीके से बजाना है, इसी तरीके से। यानी तब उतना नहीं सोचा था कि इनके जैसे बजाएंगे या अपना स्टाइल बनाएंगे, उतना नहीं सोचा था, बट ऐसा असर होना चाहिए मेरे म्यूजिक का। तो मैं कुछ तकरीबन 12 साल का ही था तब, पर इतना समझ नहीं था कि ये, इसको स्वाकार कैसे कर सकते, इसको हाउ टू मेक इट रियलिटी। बस एक सोच आया, तो दैट वाज द इंसेप्शन। वहां से लेके मैं जब कॉलेज में था, मुझे याद है 1998 में कॉलेज पास आउट हो गया था और यूनिवर्सिटी एनरोल करने का टाइम आया था। मेरी मम्मी ने मुझे बिना मेरे नॉलेज का, मुझे मेरे से फाइन अपना क्या बोलते हैं उसको, फॉर्म साइन करवा के एनरोल भी करवा दिया था। पर तब मेरे अंदर एक विश्वास आया, मुझे याद है, तब मुझे शायद से जाकिर भाई ने कुछ एडवाइस दिया था कि म्यूजिक, he gave me a lot of different advice, you know, advice at different times of my life, but he had said something, I remember that you know, please remember that, kyunki main kafi har ek musician sochta hai ki mera kya khasiyat hai, main kyun, why will I be successful. So he said, see, you have to be that good and you have to believe from inside that you are that good, ki even if there are 5 people like you, there will be place for one more. aap apna jagah bana ke andar ghus jao. To ये इस बात का मुझे काफी, मेरे जहन में ये बैठा हुआ था। तो आई रिमेम्बर देयर वाज दिस वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टू यूनिवर्सिटी टू डू माय क्लासेस, और मुझे लगा नहीं, एंड आई वाज ऑलरेडी ट्रैवलिंग एंड डूइंग सम कॉन्सर्ट्स, तो मुझे अचानक से उस दिन लगा कि नहीं, अभी से मैं करियर और कुछ नहीं सोचूंगा, संगीत से जुड़ा हुआ कुछ करूंगा। अच्छा दादा, आपने भी थोड़ी देर पहले ही, कुछ मिनट पहले ही अली अकबर खान साहब का जिक्र किया, और मैं जितना आपको सुनता आया हूं या जो मैंने पढ़ा है आपके बारे में, आपको बहुत बड़ा एक सौभाग्य मिला कि आपने उनसे एक सरस्वती वंदना सीखी है। कुछ अगर उसकी 2 लाइनें आप हमें सुना सकें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, वो मतलब अली अकबर खान साहब, वो अलाउद्दीन खान साहब की कॉम्पोजिशन है और वो आलाप नाम का एक फिल्म में यूज किया गया है। अच्छा, तो लता मंगेशकर ने और यशोदास जी ने बहुत खूबसूरती से उसको पेश किया है, बट वो कॉम्पोजिशन अलाउद्दीन खान साहब की है, और अलाउद्दीन खान साहब उधर जो मैहर अपने अपने घराने जी का से जो जगह ताल्लुक रखता है, तो मैहर में एक मंदिर है माता सरस्वती शारदा, तो काली, माँ काली एंड सरस्वती जी का मेल है, कुछ इमेजिनेशन है। उधर वो जाके वो बैठे रहते थे अलाउद्दीन खान साहब, तो उन्होंने कंपोज किया, माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुखहरणी। एक्चुअली अलाउद्दीन खान साहब का कॉम्पोजिशन ऐसा था, माता सरस्वती शारदा, तो दैवत पे सम देते थे, विद्यादानी दयानी दुखहरणी जगत जननी ज्वाला मुखिरे माता सरस्वती शारदा। और हाल ही में हमने इसको प्रोड्यूस भी किया है, कुछ गायत्री माय वाइफ हैज संग इट, एंड श्वेता मोहन, हु इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स फ्रॉम चेन्नई, उन दोनों ने, और कौशिक करके एक प्रोड्यूसर है, उन्होंने काफी सिम्फनिक साउंड बना के कुछ हम लोगों ने साथ में किया है। अभी अभी वो जमाना है कि कुछ कोलैबोरेशन हो, कुछ नया काम। अच्छा दादा, एक चीज और आपसे समझने की कोशिश करूंगा, और चूंकि आपके घर में संगीत इतने इतनी खूबसूरती से रहा है,
विलायत खान साहब हो गए, पंडित रविशंकर जी हो गए, एक वो परंपरा थी और एक आज एक परंपरा है। आप कैसे इस आपको लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा गैप है, या आपको लगता है कि नहीं वही परंपरा जो चली आ रही थी वही सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है, उस लेगेसी को कैसे देखते हैं आप? मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक एग्जांपल, एक एनालॉजी जिसको बोलते हैं हम लोग, देते हैं हम लोग सोचते हैं उसके बारे में। आप देखिए, इंसान के पास एक विरासत के रूप में कुछ चीजें मिलती है जिसको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं। जो सक्सेसफुल इंसान होता है ना, वो क्या करता है, विरासत के रूप में जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, पर उसको लेके, अपनी जिंदगी को लेके वो इंसान कुछ करता है नया। जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को लेके या इनहेरिटेड मनी को लेके ही अपनी जिंदगी गुजारने का सोचता है ना, वो एक एक ख्यालात है कि मेरे पास ये मिला है विरासत में, मैं इसी को बैंक में रखूंगा, इसी का जो इंटरेस्ट आएगा, वो एक टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी जो होता है, अच्छी बात है, चलो आप कंजर्वेटिव हो, आपको उसी जोन में रहना है, आपको जो मिला है उसी को लेके आपको अपना तो पर आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आप नया कुछ नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। पर आप अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को देखिए, आप अगर मुकेश अंबानी जी को देखेंगे, आप अगर बिल गेट्स को देखेंगे, आप अगर स्टीव जॉब्स को देखेंगे, कोई भी इलॉन मस्क को देखेंगे, इन लोगों को एक एजुकेशन शायद विरासत में मिला होगा, घर के जो भी नॉलेज मिला होगा, बट इन्होंने अपनी जिंदगी को लेके कुछ किया है, कुछ अपना विजन इसमें डाला है। सो सेम थिंग इन म्यूजिक, आपको अपना विजन होना बहुत जरूरी है। आपको विरासत में कुछ चीजें मिल रही है, बट उसको लेके आप क्या करोगे, उसको बढ़ाओगे, उसको इट शुड नॉट रिमेन द सेम, बिकॉज ट्रेडिशन इज लाइक एन इनहेरिटेंस, यू आर इनहेरिटिंग इट एंड इट इज वेरी वैल्यूएबल। कि आपको, आप, मैं तो बोलता हूँ जिन लोगों को घर पे विरासत में कुछ मिला है, संगीत मिला है या संगीत का परंपरा मिला है या संस्कार मिला है, वो लोग बहुत खुशकिस्मत है। पर वो खुशकिस्मती आगे जाके उस पर चार चांद तभी लग सकती है जब आपने अपना कुछ विजन उसमें डाला है और उसको आगे बढ़ाते, चाहे वो सक्सेसफुल हो या ना हो, ऐसा कुछ हम बोल नहीं सकते कि मैं नया जो करूंगा वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, पर इतना जरूर है कि मैंने कोशिश किया है। अच्छा दादा, जब आपने जो कोशिश की है उसी की खूबसूरती पर आते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि पूर्वायन जब क्लासिकल बजाते हैं तो बिल्कुल वो दिल की गहराइयों तक छू कर जाता है, और जब फ्यूजन करते हैं तो वो उसमें भी वाह वाह मिलती है, तो ये दोनों दोनों चीजों का बैलेंस करना, पहली बात तो ये कैसे होता है, और दूसरी बात की ये जो कॉम्प्लीमेंट मिलता है आपको, और मेरे ख्याल से कहना चाहिए कि अभी आप यंग आर्टिस्ट हैं, कैसे देखते हैं उसको? आपकी साधना जरूर लंबी है, मैं उम्र के हिसाब से कह रहा हूं। आपने सवाल में जवाब दे दिया कि दिल के गहराइयों को छू जाती है। जी देखिए, दिल के गहराइयों को छू जाती है, ये तो मतलब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ये मेरे ऑडियंसेस का बड़प्पन है, पर इतना जरूर है कि मैं अपना दिल का सुनता हूँ, दिल की गहराइयों को सुनता हूँ, उतना ही क्लासिकल के लिए सुनता हूँ जितना फ्यूजन के लिए सुनता हूँ। और म्यूजिक में कोई जात पात नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्लासिकल है तो ऊंचे जा, फ्यूजन है तो नीचे जा, ऐसा कुछ नहीं है, सब दिल की बात है। क्लासिकल हो चाहे फ्यूजन हो, चाहे कुछ एक्सपेरिमेंटल हो, क्रॉसओवर हो, चाहे दूसरे कंट्री का, आप देखिए अभी ये पैंडेमिक में हमको सब समझ में आ गया कि पूरी पूरी दुनिया एक ही है, जब व्हेन इट कम्स टू सिकनेस और हेल्थ और सोरो और जॉय, हम लोग सब साथ में जुड़े हुए हैं। तो जो मेरे दिल की बात है वो अगर मैं दिल के गहराइयों से बता पाऊंगा, इफ आई एम एबल टू गेट इन टच विथ माई इनर सोल और माई इनर हार्ट, देन इट विल टच समबडीज हार्ट, वरना नहीं। वरना मैं जात पात सोचता रहूंगा, मैं सोचता ही रहूंगा कि ये देखिए ये मेरा घराना है, ये मेरे लायक नहीं है कि मैं किसी और को स्वागत करूं, किसी तो ये सब सोचता रहूंगा तो किसी को स्वागत नहीं करूंगा, किसी को प्यार बांटूंगा नहीं तो कोई मुझे प्यार नहीं देगा, सिंपल बात। तो कोई दादा कोई बैलेंस करना पड़ता है, मतलब उसके लिए कुछ एफर्ट डालना पड़ता है, या सेल्फ ये आपके अंदर इस तरह से इनकलकेट हुआ है कि जो बात अभी आपने कही कि दोनों के लिए अलग अलग कोई ब्रैकेट नहीं है, जो दिल को, खुद के दिल को छूता हो वही संगीत है, तो कैसे बैलेंस जो मैंने पूछा वो कैसे होता है?
ये मैं आपको बताऊं, इसके लिए आपको उपलब्धि जिसको बोलते हैं, रियलाइजेशन आपको कहीं ना कहीं होना है। ये मैं हजार बार बोल सकता हूं, कोई और भी आपको बोल सकता है, पर आप में अंदर से यकीन तभी आएगा जब आप इसको फील करोगे। ये बात को आपको बोलने के लिए तो सब लोग बोलते हैं कि म्यूजिक सब जगह का सेम है, सात सुर है, ये सब ट्रेडिशनल, ये सब टेम्पलेट डायलॉग है, लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, सात सुर है, वही ताल है, पर कितने लोग फील करके बोलते हैं और कितने लोग फील कर पाते हैं या करते हैं? जो लोग फील करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फील करते हैं, जो 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 लोग फील करते हैं वो लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं दूसरे के साथ, अपने ऑडियंस के साथ। शुरुआत तो अपने ऑडियंस के साथ करो, फिर दूसरे म्यूजिकल स्टाइल्स के साथ करो, और फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ का ऑडियंस, वहाँ का ऑडियंस, वहाँ का म्यूजिक, इधर का म्यूजिक सब एक जैसे है आपको धीरे, बट वो अंदर से यकीन आना चाहिए। सिर्फ बोलने के लिए बोलेंगे तो नहीं। हमें राजन साजन जी भी कहते हैं कि हम जब मंच पे बैठते हैं तो कोशिश करते हैं कि पहले पहले खुद को तो मजा आए, खुद को खुश रखें। अगर खुद को खुश रखेंगे तो फिर सामने जो ऑडियंस है वो अपने आप खुश होगी। अब देखिए ना, पूरी जिंदगी ऐसी है, आप खुद नहीं खुश रहेंगे तो घर वाले को नहीं खुश रख पाएंगे। आप मुंह लटका के बैठोगे अपना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैंने पूरी कुर्बानी दे दी है सब कुछ परिवार के लिए। अरे आप कुर्बानी जो जरूर देंगे, लेकिन कुर्बानी खुशी से देना पड़ेगा आपको। आप जो भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जो भी, तो हम म्यूजिक के लिए बहुत कुछ खुशी से कुर्बानी दे देते हैं। हम लोग बिजनेस कर सकते थे, हर महीने करोड़ों रुपया का कैपिटल बना सकते थे, नहीं किए। म्यूजिकल कैपिटल बनाया, उसमें से जितना हम लोग सोचते हैं कि जो म्यूजिक के जो गॉड्स है वही लोग हमको खाना खिलाएंगे। सो दीज आर थिंग्स यू हैव टू बी हैप्पी। क्यों कर रहे हैं, खुशी से कुर्बानी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अंदर से खुशी मिल रही है। म्यूजिक इज जॉय, यू शुड गेट दैट जॉय। अच्छा दादा, अभी आप थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया जिन लोगों को, जिन बड़े कलाकारों से, गुरुओं से अपनी मुलाकात का, उसमें आपने पंडित अजय चक्रवर्ती का भी नाम लिया, तो जाहिर सी बात है आपने उनसे वोकल लाइट क्लासिकल चीजें सीखी, लेकिन ये आइडिया कैसे आया या ये जरूरत कैसे महसूस हुई कि मैंने बहुत सारे बंदिश उनसे सीखा है और अभी भी सीखता हूं। ये यही मेरा प्रश्न था कि मतलब सितार के साथ साथ गायकी को समझना क्या जो ये आर्ट के इंटर रिलेशन है, म्यूजिक के जो इंटर रिलेशन है, उसको और बेहतर करने के लिए था। मैं आपको बताऊं, ये भी एक रियलाइजेशन हर एक कलाकार में होना चाहिए कि कला के जो अलग अलग अंग है ना, वो भी अलग नहीं है अपने शरीर में। अपना हाथ और पैर और दिमाग और दिल अलग नहीं है, सब साथ में काम कर रहे हैं, तभी जाके अपना जो, जिसको बोलते हैं ईगो, अपना जो सेल्फ अवेयरनेस, तभी जाके बन सकता है। कला का भी एक सोल होता है, उसका भी एक ओवरऑल अवेयरनेस होता है। उसके लिए आपको सिर्फ टेक्निक या सिर्फ जो इंस्ट्रूमेंट आप बजा रहे हो उसकी समझ, या सिर्फ सुर का समझ, या तो सिर्फ म्यूजिक का समझ ही जरूरी नहीं है। अगर आप कोई बंदिश गा रहे हो जिसमें वर्ड्स है बरसन लागी रे बदरिया, आपको लिरिक्स भी समझना है, लिरिक्स से विजुअल्स भी समझना है। एक छवि आप खुद देखोगे तो आप दिखा पाओगे, तो जाके, तब जाके आपका जो कला है उसमें 360 डिग्री, आप जहां बैठे हो, मैं अगर इधर बैठा हूं, मेरे 360 डिग्री अराउंड जो हो रहा है, जो ऑरा है, वो ऑरा जाके ऑडियंस को छू तब जाएगा जब मेरे अंदर वो विजन हो। तो जिन जिन लोगों ने वो किया है, और हम अगर देखेंगे जितने दिग्गज कलाकार हैं पूरी दुनिया में, उन लोगों ने एक अपना जो ऑरा है वो ऑरा का एहसास ऑडियंस को दिलाया। तो इसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा म्यूजिक, आप सिंगिंग सीखे, आपको रिदम का भी अच्छा नॉलेज हो, आपको पोएट्री का अच्छा नॉलेज हो, आपको हर एक चीज में एक फिलॉसफी दिखे, तब जाके आप वो एहसास दिला पाओगे लोगों को। दादा इसके बाद तो फिर ये लालच आ रहा है कि आपसे रिक्वेस्ट की जाए कि कोई एक बंदिश अजय दा की सिखाई हुई जो आप हमें सुनाए, या कौशिकी के साथ आपका बहुत अच्छी जुगलबंदी का एक वीडियो बीच में मैंने देखा था, जो भी आपको दिल करे, जो आप सुनाना चाहें हमें। देखिये मैं गायक तो हूँ नहीं, और ये इंटरव्यू में सितार का माहौल नहीं है, पर बंदिश मुझे काफी चीजें याद आता है अजय दा से, जो मैंने बचपन, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट ही अग्रीड टू टीच मी बंदिश। मुझे एक खास बंदिश तोड़ी, मियाँ की तोड़ी का याद आ रहा है। भरने चले
पनिया जमुना को भरने चले, पनिया जमुना को ऐसे छबिले नार कर श्रृंगार बार बार मन मोहर ली भरने चले। तो ये मियां की तोड़ी की बंदिश है जो कि पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का लिखा हुआ है। और जहां तक कौशिकी जी का सवाल है, कौशिकी मैं जी तो बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उनका कला का बहुत इज्जत करता हूँ, बट हम लोग बचपन की दोस्त है और दिल से दिल मिला हुआ है क्योंकि पले बड़े साथ में हैं। अभी मेरे पिताजी और उनके पिताजी भी बहुत करीब है, तो हम लोगों ने काफी हमको मौका मिला है मच लेटर इन लाइफ, क्योंकि हम लोग एक जरूरी होता है कि हम लोग अपने अपने जर्नी में भी चले, म्यूजिकल जर्नी आई एम टॉकिंग अबाउट, like you know you have to go on your own journey, as I said you have to have your own vision, but kahin na kahin aake jab musical values ya musically dil mila ho to kahin na kahin uska ek mail jo hai uska kuch na kuch nikalta hai. To abhi mere khayal se aisa time aaya hai jab hum logo ne kafi kaam kiya hai saath mein, aur usme main I am very lucky that ek wo antar karke mera bhairavi wala tarana hai jo maine बनाया था, वो कौशिकी अग्री टू राइट सम वर्ड्स ऑन इट एंड अग्री टू सिंग इट, और वो मेरे यूट्यूब चैनल में है और उनके यूट्यूब चैनल में भी उन्होंने मुझे मौका दिया है। रेन सिक करके एक सॉन्ग है, एक और है सावन बीता जाए, एक सावन बीता जाए जो लक्ष्मी शंकर दादा, ये तो गुनगुना दीजिए थोड़ा, दो लाइन कम से कम, मैं इसी का जिक्र कर रहा था आपको। ये तो डुएट है ना, मैं तो वो गायक गायिका है, वो बहुत जाने माने सेलिब्रेटेड गायिका है, मैंने थोड़ा सीधा लास्ट में दो लाइन गाया है। भाई 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 दो लाइन हमारे लिए नहीं, वो मतलब सजन सावन बीता, बहुत बहुत खूबसूरत ठुमरी है, और भैरवी वाली तराना जो है ये मेरा जो बंदिश है, सब है YouTube में, आपके जो लिसनर्स है जाके जरूर सुने और इस पे अपना प्यार बख्शे, आशीर्वाद बख्शे बस। दादा आपके आपने बैंड्स का भी बनाए कुछ पिछले दस एक दशक में, वो एक्सपेरिमेंट कैसा है, अभी तक कैसा रहा है, कितना सेटिस्फाइंग रहा है आपके लिए? वो भी एक जर्नी, अलग अलग जर्नी रहा है। मैंने पहले शास्त्रीय सिंडिकेट करके एक बैंड बनाया था जो अपने कंटेम्पररीज, अपने दोस्त लोग हैं जो एंड द बेस्ट ऑफ द आर्टिस्ट राकेश चौरसिया जी, जो कि मेरे खास मेरे एकदम परिवार जैसी है, और शुभंकर बैनर्जी, सतीश पटरी, जयंती कुमरे, हम लोग सब साथ में आके, तब मेरा ख्याल ये था कि क्लासिकल म्यूजिक को लेके ही कुछ करेंगे, क्लासिकल म्यूजिक के अंदर ही कुछ करेंगे। तो वो एक जमाना था जब सोच ये था कि क्लासिकल के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो शास्त्रीय सिंडिकेट बनाया था मैंने। उसके बाद 2009 में मुझे अलग साउंड्स चाहिए था, सो आई मेड एन एल्बम कॉल्ड स्ट्रिंग स्ट्रक, जिसमें शंकर महादेवन जी वाज काइंड अनफ टू अग्री टू कम, एंड आई हैव ऑलवेज बीन ग्रेटफुल टू ऑल दीज आर्टिस्ट, चाहे वो राकेश भाई हो, चाहे बाद में शंकर जी हो, तौफीक कुरैशी साहब, इज बीन अ ग्रेट सोर्स ऑफ सपोर्ट फॉर मी। स्ट्रिंग स्ट्रक जब बना था, उन्होंने एक ही बार में मुझे कहा था कि मैं आके बजाऊंगा आपके एल्बम में, मेरा पीस ऑफ माइंड करके एक पीस है, उन्होंने बोला इसका जो क्रॉस लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं बी पार्ट जो है वो बहुत पसंद आया, तो इसमें मैं कुछ सोचता हूँ। तो ये सारी चीज से एक एक करके स्टेप, उसके बाद लुई बैंस जी, हम लोगों ने लाइफ इज म्यूजिक करके कुछ किया था, तौफीक भाई, माई सेल्फ एंड लुई जी। उसके बाद शंकर जी ने काफी मुझे काफी प्रोजेक्ट्स में बुलाया, मैं MTV अनप्लग्ड, उनके बॉलीवुड, इनफैक्ट आई डिड अ टूर विद शंकर एहसान लॉय, वेयर वी वुड हैव a little section which was a jam section, तो उनके जो राग based गाने हैं जैसे सपनों से भरे नैना है, जैसे मितवा है, उस पे हम लोग जैम करते थे, और गिरिधर उड़ुपा जो खटम प्लेयर है वो भी साथ में रहते थे। तो ये सब दिस इज अ जर्नी इन इटसेल्फ। तो मुझे धीरे धीरे, एक मैं आपको बताऊँ, अभी मुझे कभी कभी एहसास ये होता है कि जब मैंने शास्त्रीय सिंडिकेट बनाया था और सोचा था कि अभी कुछ नया करके दिखाएंगे क्लासिकल के अंदर, मेरे में कितना ना समझ और कितना मतलब क्या बोलते हैं, बचपना था। इंसान वो एक एज होता है, इंसान सोचता है मैं कुछ करके दिखाऊंगा, वो सपना दिखता है, पर ये करके दिखाना, ये बहुत जिंदगी बहुत बड़ी चीज है, और एक मतलब आप
करते रहो, आपको बस ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको कुछ साबित करना है, कुछ नहीं साबित करना है आपको, यू जस्ट हैव टू हैव फन. एंड एंड आई मीन इट वाज ग्रेट फन व्हेन आई डिड इट, बट इट्स जस्ट दैट मुझे ये था कि ये निकलेगा, सक्सेसफुल भी हुआ, दैट एल्बम गॉट एन अवार्ड एंड इट वाज लाइक आउट देयर, बट क्या फर्क पड़ता है मैं आपको बताऊं, कितने सारे लोग कितने इतना अच्छा काम कर रहे हैं और सब लोग हम मिल के साथ में अच्छा काम करें तो. बट डेस्टिनी इज नॉट कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन और इवन फ्यू पीपल, डेस्टिनी of the music, the destiny of the art form, it has its own life and it has its own vision and journey. अच्छा दादा बस एक दो छोटी छोटी चीजें और, एक तो हम मतलब मैं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आप बताइए कि आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं. जो ये आज की जनरेशन है, जो नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल के, अगर एक पेरेंट चाहता है कि उनको म्यूजिक सिखाए, अपना इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिखाए, और वो उसको उनको लेकर जाता है एक किसी बड़े कलाकार के कार्यक्रम में, लेकिन उस कार्यक्रम में दो चीजें हैं जो बहुत डिबेटेबल कह लूं या कह लूं कि रोकती हैं. पहला, कार्ड पे कई बार लिखा होता है 8 साल से छोटे बच्चों का प्रवेश मना है, और दूसरा मैंने कई बार देखा कि जब एक स्टेज पर एक बड़े आर्टिस्ट आते हैं तो वो तो अपनी सच्चाई बताते हैं या मॉडेस्टी बताते हैं कि पिछले 70 साल से मैं ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हूं या पिछले 60 साल से मैं ये गा रहा हूं, लेकिन अभी तक मैं इसको सीख नहीं पाया. जब वो ये बात कहते हैं तो क्या आपको लगता है कि बच्चों के मन में, छोटे बच्चों के मन में वो मॉडेस्टी की बजाय एक डर पैदा होता है? ये 2020 का जनरेशन है, उनको लगता है अगर ये 70 साल में नहीं सीख पाए तो मैं कैसे सीखूंगा, ये इसको कैसे देखते हैं आप, या ये क्या ये सही तरीका है? एक चीज बताऊं आपको, मुझे आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क विद दिस क्वेश्चन. एक तो रही बात 8 साल के नीचे बच्चे को अलाउ करना कॉन्सर्ट हॉल में, मुझे क्या लगता है, देखिए जब कोई कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज होता है उसमें लोग पैसा दे के टिकट खरीद रहे हैं, देर हैज टू बी अ लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म. अगर अगर आप 8 साल के नीचे के बच्चे को अलाउ करेंगे, चाहे वो बच्चा कितना ही मच्योर हो, उसको कितना लगाव हो क्लासिकल म्यूजिक के लिए या आप कोई भी म्यूजिक के लिए, पर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, उनको निकलना है, टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, बाहर जाना है, भूख लगना है कभी, तो यू हैव टू हैव दैट डिसिप्लिन. तो अगर बच्चे के, उसके लिए अभी इंटरनेट है, यूट्यूब है, आपको अगर बच्चे को क्लासेस में डालना है उसके लिए भी काफी अपॉर्चुनिटीज है, अभी तो ऑनलाइन लर्निंग का काफी अपॉर्चुनिटीज है. आपको अगर बच्चे के अंदर संस्कार डालना है म्यूजिक का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लासिकल म्यूजिक बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस, अगर आपको जैज सिखाना है तो बचपन से वो चलाओ घर पे, उसको सुनाओ, उसके कान में डालो और देखो उसको प्यार होता है कि नहीं उस चीज से. अगर आपको एक बच्चे को ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल एजुकेशन देना है तो बचपन से इंडियन फिलोसफी का एहसास दिलाओ, देखो कि उनको लगाव होता है कि नहीं, जबरदस्ती मत करो, हर एक को नहीं होता, अगर हो गया तो वो अपने आप जाएगा. दूसरी बात रही बात जो अपने विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ग्रेट पंडित विद्वान उस्ताद जो लोग बोलते हैं अपने, वो उनका ह्यूमिलिटी है कि वो बोल रहे हैं कि मैं पिछले 70 साल से इसका सेवा कर रहा हूँ और अभी तक कुछ भी नहीं दिखा है मुझे, वो उनका ह्यूमिलिटी है. पर वो बात शायद सही भी हो, क्योंकि हर एक कलाकार को, हर एक इंसान को लगता भी है, कभी कभी खुद को बहुत छोटा लगता है, जो सच में इसका साधना करते हैं कहीं पे भी पूरी दुनिया में, इफ यू लुक एट जैज म्यूजिक और इफ यू लुक एट रॉक एंड रोल और पॉप, इफ यू हैव टू मच ऑफ ईगो कि मैं कुछ बन गया, मुझे दिख गया, यू नो दिस इज अंडर माई कंट्रोल, क्योंकि आपके कंट्रोल में हो सकता है लेकिन आपके अंदर एहसास ये आ गया तो आपके कंट्रोल के बाहर के जो चीजें हैं उसके लिए आप भागोगे नहीं. और एंड आर्ट इज ओनली बिकमिंग ग्रेट व्हेन यू रन फॉर थिंग्स व्हिच आर आउटसाइड योर कंट्रोल. तो रही बात बच्चों को डर जाना, जैसे आप बोलोगे कि मैंने 70 साल से सेवा किया है, सी आई थिंक ए तो किड्स शुड नॉट टेक इट लिटरली, इट्स द पेरेंट्स जॉब, उनको समझाओ कि देखो ये बात की बात है, ये फिलोसफी की बात है, ये दूर की बात है, आपको ये चीज का एहसास बाद में आएगा, जब आप थोड़ा समझने लगोगे तो आपको समझ में आएगा कि और कितना है समझने के लिए. एक तो वो है. दूसरी बात है, मैं आपको एक बताऊं, ये एक इंडियन टेंडेंसी है, इंडियंस आर वेरी पैशनेट पीपल, वी आर वेरी पोएटिक पीपल, हर एक चीज पे हम लोग पोएट्री डालते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो, हम लोग ओवर स्टेट करते हैं, थोड़ा हम लोगों को आदत डालना चाहिए, मतलब फैक्ट, स्टिक टू द फैक्ट्स. आप बोलो मैंने
70 साल का सेवा किया है, साधना किया है, जो भी किया है, आप जरूर बोलो कि मुझे अभी लगता है कि कितना और है समझने के लिए, पर ऐसा मत बोलो कि मुझे कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि अगर आपने 70 साल सेवा किया है और अगर लोग आपको बुला रहे हैं इतने बड़े स्टेज पे, तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ जो अपने बड़े बुजुर्ग कलाकार है कि वो अपना भावुकता में आके ऐसा स्टेटमेंट भी ना करे कि मुझे कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि वो सच नहीं है, उनको काफी उनका समझ है और हम लोग उस समझ की कदर करते हैं, इसीलिए टिकट खरीद के जा रहे हैं उनका कला सुनने के लिए। तो लेट यू नो वी शुड एज अ नेशन एक्चुअली जनरली ऑल्सो हम लोग कभी भी बोल देते हैं माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, मैड, ये सब वर्ड्स हम लोग कभी भी यूज कर देते हैं, थोड़ा लेजेंड, किसी को भी लेजेंड बोल देते हैं, नहीं चाहिए, थोड़ा बोलो बहुत टैलेंटेड है, अच्छा है, थोड़ा जरा अपने ऊपर काबू रखना चाहिए। ये बहुत दिलचस्प मोड़ पे हम लोग इस बातचीत को खत्म करेंगे। आपके बचपन से बातचीत शुरू हुई थी और मैं पूरे भारत के बचपन को ले आया संगीत से जोड़ने के, और 70 साल वाले लोग तक आ गए। बिल्कुल। और लेकिन दादा आपको एक वादा ये करना पड़ेगा कि जब ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा, मैं एक चीज बताऊं, ये बात पे मुझे ये एहसास आया या ये मेरे दिमाग में आया ये बात कि आप लोग बोलते हैं ना 70 साल तक भी सेवा कर रहा हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरा 70 साल तो हुआ नहीं अभी, कुछ mid-40s में हूं मैं, पर मुझे समझना नहीं भी है पूरे दुनिया का सब चीज, मुझे समझना नहीं है जितना मुझे अभी के मोमेंट, बीइंग इन द मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे क्या समझना है, आज का समझ और कल का समझ अलग है, परसों का समझ तीसरा है। तो मैं ये नहीं समझना चाहता हूँ कि जो अभी 25 साल का है कई कई चीजों में उनका समझ मेरे से ज्यादा है और कई चीज मेरे तजुर्बे के वजह से मुझे ज्यादा है, तो मुझे उतना समझना नहीं है, मुझे सिर्फ अभी के मोमेंट, आपके साथ में बैठा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, इसमें मुझे जो मजा है वो मजा मुझे लेना है, इसके बाद बात खत्म हो गया तो कोई दूसरा समझ आएगा। तो दादा इस वायदे के साथ आप अलविदा कहिए हमें कि आप अगली बार जब पैंडेमिक ये खत्म हो जाए, हम लोग रूबरू हो आमने सामने, तो आपके हाथ में सितार भी हो और फिर हमको कुछ सितार का जो आपके रस है, जो ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर कि वो वाकई दिल की गहराइयों को छूता है, उससे सराबोर करने का मौका हमें भी दीजिए। जी जरूर, ऐसा आप ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि वो जरूर हम जितने भी कलाकार हैं पूरे दुनिया के, उन पे जरा ऊपर वाला जरा यू नो गॉड शुड बी काइंड टू देम एंड अलाउ देम द अपॉर्चुनिटी टू गो एंड परफॉर्म फॉर पीपल, बिकॉज वी थ्राइव ऑन दैट। एंड हमको जाके अलग अलग शहरों में पहुंचना है, अलग अलग ऑडियंस के लिए पहुंचना है, और जितना भी हम लोग सोच रहे हैं कला के बारे में उतना लेके आए हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः एक बार आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका जो ये जो राग, जितने भी फॉलोअर्स है, जितने भी लिसनर्स है, सबको मेरे तरफ से बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग संगीत से, कला से ऐसा ही जुड़े रहे और कलाकारों के लिए, संगीतकारों के लिए आप दुआ देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, ताकि हम लोग संगीत का या कला का सेवा कर सकें। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच।